तो आइए हम सब मिलकर देखते हैं एक ऐसा वीडियो दोस्तों कि जिससे हम सबको ये ज्ञान मिलने वाला है कि सिलाई मशीन का आविष्कार कैसे हुआ है दोस्तों, और किस तरीके से सिलाई मशीन का जो पार्ट होता है वर्क करता है, और इससे क्या होगा अगर हम सिलाई मशीन को रिपेयरिंग करते हैं या आप भी सिलाई मशीन रिपेयरिंग सीखने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही ज्यादा ज्ञान मिलने वाला है। तो आइए हम सब मिलकर देखते हैं इस वीडियो को जिससे बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है। सिलाई मशीन का आविष्कार किया वह वास्तव में एक जीनियस इंसान था। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिलाई मशीन कपड़े के दो टुकड़ों को एक साथ मजबूती से कैसे सिल देती है? आज आइए हम उन सामान्य लगने वाले टांके और धागों के पीछे के जीनियस डिजाइन को उजागर करें। जब भी आप कपड़ा सिलते हैं, सुई को एक तरफ से कपड़े के बीच से डालते फिर दूसरी तरफ से बाहर निकालते हैं, लेकिन किसी मशीन के लिए ऐसा करना लगभग असंभव है। इसलिए यदि आप सिलाई मशीन का आविष्कार करना चाहते हैं, पहला कदम सिलाई का एक बिल्कुल नया तरीका सामने लाना पड़ेगा। कपड़े में सुई डालते समय यह सबसे पहले कपड़े के नीचे प्रवेश करेगा, लेकिन जब आप इसे बाहर निकालते हैं तो धागा भी खींच लिया जाएगा, क्योंकि सुई सिर्फ एक ही तरफ नुकीली होती है। इसलिए हमें कोई रास्ता ढूंढने की जरूरत है। जब हम धागा सिलाई के लिए नीचे से ऊपर निकालते हैं तो धागा उलझने की वजह से बाहर नहीं निकल पाता है। इसलिए जीनियस इन्वेंटर एक समाधान लेकर आए। सुई कपड़े से होकर गुजरती है और सुई के धागे को सुई के छेद से नीचे ले जाती है, फिर सुई ऊपर की ओर बढ़ जाती है। मूल धागे के फंदे को झुकने के लिए मजबूर किया जाता है। इस समय किनारे पर लगा हुक तेजी से अंडाकार फंदे को पकड़ लेता है और इसे नीचे की ओर खींचता है। जब सुई वापस आती है तो हुक वास्तव में पीछे चला जाता है। इस बिंदु पर सुई पहले की तरह फिर से नीचे आ जाती है और हुक फिर से पूरी तरह से ऊपर आने लगता है। जब सुई फिर से ऊपर जाती है तो सिलाई छेद और कपड़े के बीच की दूरी फिर से कम हो जाती है। लंबे फंदे को फिर से एक अंडाकार फंदे से बाहर निकाला जाता है। हुक इसे फिर से खींच लेता है और उसे पहले जैसी ही लंबे फंदे में बदल देता है। मशीन में यह काम बार बार होता रहता है। इस सिलाई को चेन सिलाई कहा जाता है, लेकिन चेन सिलाई में एक स्पष्ट रूप से खामी भी होती है। यदि धागा ढीला है तो सभी टांके आसानी से निकाले जा सकते हैं, इसलिए हमें अधिक पेचीदा और मजबूत टांके लगाने की विधि डिजाइन करने की आवश्यकता है। आइए एक नजर डालते हैं और इस पर ध्यान देते हैं। धागे की दो किस्में तैयार करें, एक पीला और एक नीला। धागा कपड़े के माध्यम से पूरी तरह नीचे चला जाता है, दूसरे धागे को ऊपरी धागे के फंदे से पूरी तरह गुजारें, फिर सुई को पीछे खींचें और अतिरिक्त धागा खींच लें। हम जो करते हैं वह इन दो धागों को आपस में जोड़ते हैं, इसीलिए इसे लॉक स्टिच कहा जाता है। हालांकि अधिकांश आधुनिक सिलाई मशीनें आगे पीछे चलने वाले शटल के बजाय बॉबिन पर काम करती हैं। घूमने वाला खांचा हुक के अंदर स्थित होता है। आइए देखें कि यह कैसे काम करता है। बॉबिन ऊपरी धागे को खींचती है और सबसे निचले बिंदु तक जाती है, फिर यह थोड़ा पलट जाता है, फिर यहीं पर एक छोटी सी गांठ बनेगी। जब रोटरी हुक घूमता है तो छोटे फंदे को रोटरी हुक द्वारा पकड़ लिया जाता है और ऊपरी धागे को बॉबिन के चारों ओर पूरी तरह से खींच लिया जाता है। फिर सुई फिर से बाहर निकलती है और अतिरिक्त धागा खींच लेती है, जिससे एक और फंदा बनता है। लेकिन पूरी प्रक्रिया में अभी भी एक महत्वपूर्ण चीज गायब है। प्रत्येक सिलाई सिलने के बाद कपड़े को कैसे हिलाएं? शुरुआती सिलाई मशीनों में प्रत्येक सिलाई के बाद कपड़े को हाथ से हिलाया जाता था। ये स्पष्ट रूप से धीमा था और टांके आसमान दूरी पर थे। बहुत से लोगों ने कुछ डिजाइन आजमाए, लेकिन सबसे सफल आविष्कार विल्सन का था। उनका आइडिया कपड़े के कोने को दबाने के लिए धातु के एक छोटे टुकड़े का उपयोग करना था। जब सुई कपड़े में न हो तो खांचे के साथ धातु का एक छोटा टुकड़ा नीचे से ऊपर धकेला जाएगा। ये कपड़े को पकड़ता है और फिर एक इंच पीछे ले जाता है। अब कपड़े को आगे धकेले जहां अगली सिलाई होने वाली है। इस डिजाइन का उपयोग आज लगभग सभी सिलाई मशीनों में किया जाता है।